ज you so, आज की क्लास में हम जो पोम स्टार्ट करने वाले उसका नाम है कोयल है ना कोयल कुकू ठीक है तो यहाँ पे एक पोम है जिसको लिखा गया है बाय पू तो ने भाई ये पोम लिखी क्यों है एक कोयल के बारे में हम जान के क्या करेंगे तो यहाँ पे जो पूरण सिंह है ना वो उनको मतलब है है ना 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 काफी मतलब एक क्यूरियोसिटी कि कि वो कोयल से ये पूछते हैं तुम जो हो कैसे तुम इतनी बिल्कुल काली सी हो गई हो तुम्हारे जो विंग्स हैं वो इतने काले हुए और जले हुए से क्यों लगते हैं और तो भी जो तुम्हारी आवाज है वो इतनी मीठी है है ना फिर भी ये आवाज सुनकर मुझे जो है इतनी प्रॉब्लम इतनी बेचैनी क्यों होती है तो यहाँ पे जो पूरन सिंह वो इस पोम के थ्रू जो कोयल है बर्ड है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम इतना मतलब जली जल गई हो या जली हुई हो काले का लड़की हो फिर भी एक तुम्हारी आवाज में इतनी मधुरता है और तुम इतनी जो है मतलब हैप्पीनेस वाली चीज है तुम्हारे अंदर और फिर भी मुझे ये सुनकर लेकिन मेरे अंदर जो है इतनी रेस्टलेसनेस क्यों आ रही है है ना ये सारे क्वेश्चन वो करते हैं और उसके जवाब में कुकू भी कुछ जवाब देती है मतलब उनको कुछ बोलती है लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी वो हम इस फोम में पढ़ेंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोयल वॉट लाइटनिंग फेल वॉट सिंड what thing tie wings what keeps the fresh yet shed ठीक है अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो हमारे जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कोयल है क्या तुम्हारे ऊपर कोई बिजली गिरी है है ना क्या तुम्हारे ऊपर कोई बिजली गिरी है जिसकी वजह से तुम्हारे जो विंग्स हैं डाई योर्स है ना तुम्हारे तुम्हारे जो विंग्स हैं वो ऐसे हो गए हैं है ना फिर भी क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें इतना फ्रेश रख रही है है ना तुम्हें इतना फ्रेश रख रही है और फिर भी मतलब विंग्स तुम्हारे जो हैं ऐसे ब्लैक और ऐसे जले हुए से लग रहे हैं शा, शार्ट का मतलब होता है जो विंग्स हैं वो ऐसे काले और जले हुए लगना काले और जले हुए लगना ठीक है काले और जले हुए मैं कलर चेंज कर देती हूँ मैंगो लीव्स दो सिंगेस्ट है ना मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि भाई कंसील्ड छुपे रहना जो मैंगो की ट्रीज है आम की ट्रीज है उसके पीछे तुम छुपी रहती हो फिर भी जो है गाती हो सिंगेस्ट गाना है ना die high pitched strings wake in my soul a thousand memories तुम्हारी जो इतनी ऊंचे स्वर वाली जो आवाज है वो मेरे दिल में जो है काफी सारी जो यादें हैं वो खोल देती है जगा देती है why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire है ना मैं इतना बेचैन क्यों जाता हूँ? तुम्हारी जो इतनी प्यारी सी आवाज है वो सुनकर मेरे अंदर एक आग सी क्यों लग जाती है लो द रोजेस

यहाँ पे जो कोयल है वो जवाब दे रही है द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स एंड मेड मी अन्यू आई एम रेस्टलेस वेयर इज माय बिलवड अब यहाँ पे जो कोयल है वो जवाब दे रही है कि भाई जो आग है ना प्यार की जो आग है उसने मेरे जो विंग्स हैं पर हैं वो जला दिए हैं काले कर दिए हैं और मुझे बिल्कुल नया कर दिया है मैं भी बेचैन हूँ क्योंकि जो मेरा प्यारा है बिलवड है मुझे वो नहीं मिल रहा है द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स मी ऑल द मोर द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर माय हार्ट अब ये जो मैंगोव हैं ये जो इनके पेड़ हैं जो भी वो खिल रहे हैं तो मुझे इनसे जो है और ज्यादा मेरे अंदर आग लग रही है जितना ज्यादा ग्रीन हो रहा है गार्डन उतना ही ज्यादा ब्राइटली मेरा जो हार्ट है वो जल रहा है माई फ्लेमिंग सॉल आस्क वेयर वेयर इज माई बिलविड स्पीक स्पीक वाई आर दाई लीव सो स्टिल ठीक है तो यहाँ पे जो है कोयल ने जवाब दे दिया इस तरीके से एक छोटी सी पोम है जिसकी सामरी बताती हूँ मैं तुम्हें तो यहाँ पे क्या है दिस इज अ पोम रिटन बाय इंडियन पोएट इंडियन पोएट है पूरन सिंह है ना He has addressed this song to the cuckoo bird, which is known as koel in our country, है ना तो उन्होंने जो है कुकू बर्ड को क्यों बोला है? क्योंकि इंडिया में कुकू को ही बोला जाता है इसलिए of cuckoo is totally black. It has a melodious voice which enchants everybody, है ना भाई हालांकि जो उसका कलर है वो काला है बिल्कुल काला है लेकिन उसकी आवाज इतनी सुंदर है मधुर है कि सबका दिल खुश कर देती है Normally the cuckoo is seen during spring season when mango fruits start coming up on the tree and the cuckoo in its sweet sound welcome the advent of mangoes on the trees. अब ज़ायदतर कोयल हमें कब दिखने को मिलती है? गर्मी के मौसम में जब आम आने वाले होते हैं तब मिलती है और वो welcome कर रही होती है नए आमों का अपनी मधुर आवाज़ से। The poet addresses the koel and asks, How is it that your wings are charred and black?

सब लग रहा है लेकिन फिर भी तुम एकदम फ्रेश और न्यू लग रही हो ऐसा कैसे हाइडिंग योर सेल्फ बिहाइंड मैंगो लीव वेन यू सिंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट थाउजेंड मेमोरीज रेपर इन माई हार्ट आप जब तुम यहाँ पीछे छुप जाती हो इन मैंगो के पत्तों के जो पेड़ उसके पीछे छुप जाती हो और वहाँ से अपनी मधुर आवाज में गाती हो तो मेरे जो दिल है उसमें जितनी भी मेमोरीज हैं, वो सब जाग जाती हैं सारी यादें जाग जाती हैं How is it that your sweet notes kindles fire in my heart with some sort of pain and restlessness? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारी इतनी मधुर आवाज सुनकर मेरे दिल में आग लग जाती है और मैं बेचैन हो उठता हूँ You see, even the roses are on fire with shining red color appearing on their body with black marks on them. तुम देखोगे अगर ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि भाई जो गुलाब है वो भी फायर लगी हुई वो भी जल रहे हैं उनमें तुम देखोगे तो ऐसा लाल कलर आ रहा है बिल्कुल और काले काले धब्बे जो ऐसा लगता है कि वो जल गए हैं बट स्टिल आई फेल टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ योर विंग्स गॉट चार्ड एंड बिकम ब्लैक लेकिन अभी भी मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो ऐसे काले और जले हुए लग रहे हैं इस बात का जवाब देती है कि भाई ये जो प्यार की जो आग है इसी ने मुझे ऐसा कर दिया है लेकिन इसी के साथ ये मुझे काफी नया और फ्रेश भी फील कराती है द ग्रीनरी ऑफ द गार्डन अराउंड एक्साइड

है ठीक है तो इस तरीके से एक पोम है इसका कोई मोरल वोरल नहीं है बस एक प्यारी सी पोम लिखी गई है तुम्हें एंटरटेन करने के लिए ठीक है प्रकाश की चमक या फिर बिजली पड़ना है ना इसको तुम बिजली गिरना लिख लो चार्ड बर्न एंड बिकेम ब्लैक है ना जलना और काला हो जाना कंसील कोई चीज गुप्त रखना या छिपाना है ना पिच जो भी तुम्हारी मतलब ध्वनि की जो भी डिग्री होती है ना पिच होती है स्ट्रेन एक राग किंडलिंग आग लगाने के लिए ना किसी चीज में और आग लगाना दाय का मतलब होता है योर तुम्हारा आर्ट होता है आर और दो होता है यू तुम तो, है ना इस तरीके से ज्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है छोटी सी पोम है इसके इसके क्वेश्चन एंड आंसर देख लो जल्दी से हु रोड द पोम कोयल किसने लिखी है पुरन सिंह ने लिखी है सीधा सीधा आंसर लिख दोगे वट डू दाई इन आर्ट स्टैंड फॉर वट डू दाए का मतलब क्या हुआ और आर का मतलब क्या हुआ तो दू और आर्ट होता है इतनी सारी मेमरीज जगा दी थी हाई पिज स्ट्रीन ऑफ कोयल या कुकू ने जो है जगा दी थी वट है शेड ऑफ मैंगो क्या हुआ था जो मैंगो के जो शेड्स जो पत्ते थे उनके साथ जल गए थे तो द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न ठीक है जल गए थे ओ लिटिल बर्ड व्हाई हैज बी इन बर्ड कैपिटल है ठीक है जो ओ लिटिल बर्ड लिखा है इसमें बी कैपिटल क्यों लिखा है ये बताना है है ना क्योंकि कॉमन नाउन है तो यहाँ पे कैपिटल बी हैज बीन यूज्ड इन ओ लिटिल बर्ड बिकॉज़ द पोएट हैज यूज्ड इट फॉर अ पर्टिकुलर कुकू क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली इसी कोयल के लिए लिखा है ना तो यहां पे कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन की तरह यूज आ रहा है इसलिए यहाँ पे बी जो है तुम्हारा कैपिटल है नेक्स्ट hmm. देखो द विंग्स विंग्स ऑफ कोयल कोयल के wings जो है वो किस किस चीज ने जला दिए थे काले कर दिए थे द फायर ऑफ लव चार्ट द विंग्स ऑफ कोयल वाई कोयल रेस्टलेस कोयल जो है वो बेचैन क्यों थी कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलव्ड अपने प्रेमी के लिए बेचैन थी फायर द कोयल क्या चीज थी जो कोयल को और जलाती थी साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम जब मैंगो उग रहे हैं वो चीज है ना वॉट बर्न्स हर हार्ट क्या चीज है जो उसका दिल जला रही थी द ब्राइट ग्रीननेस ऑफ द गार्डन बर्न्स हर हार्ट द ब्राइट ग्रीननेस ऑफ द गार्डन बर्न्स हर हार्ट बस तो ये छोटी सी पोइमेंट के छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर हैं ज्यादा नहीं है और ये जो एक जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया है मैं तुम्हें जब इसके इंपोर्टेंट लिखवाऊंगी उस वक्त लिखवा दूंगी ठीक है तो बस यहाँ पे एक छोटी सी पोयम थी जिसका कोई मतलब ऐसा कोई मॉरल नहीं है बस तुम्हें एंटरटेन करने के पर्पज से लिखी गई थी और तुमने मतलब वो एक मतलब क्या है बस ऑथर के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि यार मतलब कैसे एक ऐसा बर्ड जो इतना खूबसूरत भी नहीं दिखता ब्लैक है बिल्कुल जले हुए विंग्स लगते हैं उसकी आवाज इतनी मधुर है और उसकी आवाज़ से जो है लोग जो है इतना मतलब अच्छा फील करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या होता है जिनको पुरानी यादें याद आ जाती हैं मतलब कोई ऐसा पर्सन जो शायद अब हो नहीं जिंदा नहीं हो या उनकी लाइफ में नहीं हो उसकी यादें याद आ जाती हैं जिससे वो बेचैन हो जाते हैं तो यहाँ में हमने एक सिमिलैरिटी देखी दोनों में कोयल में और पोएट में कि दोनों ही जो है अपने किसी प्यारे की याद में जल रहे होते हैं एक जो है एक को जो है कोयल की आवाज जला रही होते है। होती है और जो कोयल होती है बेचारा जो एनवायरमेंट है इतना सुंदर एनवायरमेंट देखती है और उसका प्यारा नहीं होता उस एनवायरमेंट में उसकी वजह से जलती है तो वो गा रही होती है तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों में हमने ये सिमिलैरिटी देखी है ठीक है तो ये छोटी सी पोम है बस तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे